सजदा। जब सजदे का वक्त आया तो मैं घबरा गया। पिछली सफ का नमाजी मेरी तहशुदा टांगों के अंदर जबरदस्ती अपना सर घुसेड़ रहा था। अगली सफ इस कदर करीब थी कि सर जमीन पर टेकने की गुंजाइश ही ना थी। सजदा अदा करने का सवाल ही पैदा ना होता था। ये क्या मुसीबत है। मेरे जहन से आजुलदगी की एक लहर उभरी और मेरी रूह पर मुसल्लत तो मोहित हो गई। यहाँ तो नमाज पढ़ना ही मुमकिन नहीं। फिर पता नहीं कैसे पहली तरफ से थका लगा, सारी सफ लड़खड़ा गई। पिछली सफ के नमाजी ने फिर अपना सर मेरी टांगों में ठोंक दिया। मुझे गुदगुदी होने लगी। लाहौल वाला कुव्वत। आजुर्दगी ने खफकी की शक्ल इख्तियार कर ली। हता के मुझे एहसास ही न रहा कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं। हाजिर होकर भी गैर हाजिर रहते हैं, हाजिर होकर भी गैर हाजिर रहते हैं। लाउड स्पीकरों ने न जाने किस बहाने शोर मचा दिया। हाजिर होकर भी गैर हाजिर हूँ, मैं चौंका। यहाँ कोई तफ़सील अहम नहीं, सिर्फ हाजिरी। मुदल्लल एहसास हजूरी। सजदा नहीं होता तो फिर क्या हुआ। एहसास हजूरी तो खुद एक सजदा है। मैंने नमाज पढ़ते हुए कानी आँख से कोठे की तरफ देखा। मुंडेर से किसी ने मुझे आँख मारी और रसबात में हिला दिया। हजूरी हजूरी, लाउड स्पीकरों ने शोर मचा दिया। मैंने महसूस किया जैसे हम तीनों खुफिया साजिश में हिस्सादार थे। कोठे, कव्वाली, लाउड स्पीकर और मैं।